नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। दरौली विधायक सत्यदेव राम ने सोमवार को सरयू नदी के घाट का निरीक्षण किया। घाट पर जलाए जा रहे शव व घाट पर बिखरे पीपी किट, ग्लव्स आदि देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रतिदिन दर्जनों कोरोना संक्रमितों के शव को जलाया गया। अगर इस तरह पीपी किट आदि फैले रहेंगे तो महामारी घटने के बजाय और बढ़ जाएगी। सिवान से राजेश पांडे की रिपोर्ट। जी हाँ, जे आर कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है? विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। जे आर कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, क्लेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही जे आर कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन जे आर कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठाएं। इस विद्यालय की विशेषताएं? आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी हैं। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं। 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक। बृहद खेल का मैदान। ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन। स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। जे आर कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118, 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें। के बीच विधायक जी पीपी किट और ग्लव्स आदि घाट पर भी दिखाई दे रहा है, आपने मुआयना भी किया, निरीक्षण भी किया, आपको क्या दिखाई दिया, इस पर प्रशासन को क्या करना चाहिए? कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद घाट की कोई सुरक्षा नहीं है। लोगों को तरह तरह के परेशानियां झेलनी पड़ रही है और यहाँ के जो लोकल प्रशासन है, जिसको जवाबदेही है, यहाँ तो पुलिस बल नियुक्त करने का आदेश हमने न्यूज में देखा है, लेकिन आए हैं अभी घाट पर और किसी तरह का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि पीपी किट्स फेंका पड़ा हुआ है, ग्लव्स फेंका पड़ा हुआ है, तमाम जो इंजेक्शन के जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो सब ला कर के यहीं स्टोर किया गया है, जहाँ पर हजारों आदमी आके गंगा स्नान करते हैं, लोगों के शव जलाया जाता है, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग शव जलाने आते हैं। तो ये सब देख करके नहीं लगता है कि कोरोना से प्रशासन सतर्क है और लोगों को सतर्क करा रहा है। हमने देखा अखबार में एक रोज हिंदुस्तान में न्यूज छपा था कि नदी के किनारे घाट पर ये पीपी किट्स, ग्लव्स, सब सिरिंज वगैरह वगैरह ये सब पड़ा हुआ है, जिससे कोरोना बढ़ने की संभावना है। जहां लोग आते हैं वहीं पर यह स्टोर है तो बढ़ना स्वाभाविक है। तो फिर यहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने गलत न्यूज, गलत रिपोर्ट दे करके और प्रभात खबर में न्यूज छपवाया, तो ये एक तरह के चल रहा है। बात दूसरी रहती है, रिपोर्ट दूसरा जा रहा है।
गलत रिपोर्ट जा रहा है, सरकार को गलत रिपोर्ट से अवगत कराया जा रहा है और भीतर में लोगों के साथ काफ़ी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उनकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही है। और यही वो कारण है कि अभी कोरोना वायरस में बहुत कमी नहीं आई है, अब लोग सरकारी अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं, अभी प्राइवेट डॉक्टरों से प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही जाके वो अपना उचित समझते हैं, इलाज कराते हैं। अभी जितने झोला छाप डॉक्टर हैं उन लोगों के पास अभी सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी हुई है। तो ये साबित करता है कि प्रशासन का रवैया सही नहीं है, पीड़ितों के दुखितों के प्रति, गरीबों के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं है और इसीलिए लोग प्राइवेट जा रहे हैं। हम ये बात बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है, प्रशासन तंत्र को क्यों नहीं ठीक कर रही है, क्यों नहीं जवाबदेह बना रही है, क्यों नहीं जनता के साथ अच्छा बिहेव करने के निर्देश दे रही है। ये एक बड़ा सवाल आज बना हुआ है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जिनकी जो ड्यूटी दी गई है वो अपनी ड्यूटी करें। घाट पर जो किट्स दिखाई पड़ रहा है, जो इंजेक्शन, जो दवा की जो भी शीशियाँ है, वो सारे जो कबाड़ होता है वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है और इसको लेकर के प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्रशासन इस कोरोना से चिंतित है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में है, कोरोना के रोकथाम के लिए काम कर रहा है, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोगों से ये अपील करेंगे कि लोग खुद सावधानी बरतें, सतर्क रहें, डरें नहीं, भयभीत न हो। कोरोना एक बीमारी है और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। हाथ धोते रहना है, मास्क लगाते रहना है, एक दूरी बना के और अपना जीवन आगे बढ़ाना है। कोरोना पर जनता का विजय होगा। करने के लिए क्या कहेंगे? अब स्थानीय प्रशासन को सरकार से छूट मिली है तभी तो इस सब काम में तत्परता नहीं बरत रहा है, गलत रिपोर्ट दे रहा है। हम तो चाहेंगे कि सरकार खुद इसकी जांच कर ले और दोषी लोगों पर कार्रवाई करें। अन्य कामों में अगर ठीक से सरकार जांच करेगी तो ये स्थानीय प्रशासन हर मामले में गड़बड़ी के आरोप में पकड़े जाएंगे, लेकिन सरकार ही नहीं सुन रही है। हम मांग करते हैं कि इन सब चीज़ों को देख रेख की जाए, जांच करवाई जाए और तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। इसी तरह से मैरवा का जो मामला था कि कोरोना पेशेंट को अपने घर से वो एम्बुलेंस की मांग करते रहा और वहाँ के प्रशासन इग्नोर करते रहा, परिणाम हुआ कि वो ठेला पर लेकर के मरीज को गया और उसका वीडियो वायरल हुआ जो पूरा जगजाहिर हुआ और उसका इलाज भी सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ, उसको फिर भागना पड़ा प्राइवेट में। तो ये बात हम बार बार कहते हैं और ये बात जगजाहिर है और बहुत सारे मामले हैं। अब कैसे सब जगह का वीडियो, कैसे सब जगह का हैंड टू हैंड रंगे हाथ पकड़ने का काम होगा, लेकिन हो रहा है गड़बड़ी हर जगह। और इसलिए हम चाहते हैं कि अब हम दरौली के विधायक हैं तो हम तो चाहेंगे कि दरौली के लोकल प्रशासन ठीक से काम करें और काम नहीं करता है तो हम तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से अविश्वास रख रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब हम अभी थोड़े देर में देंगे, ठोस रूप से देंगे। अभी जो प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र है, PHC जो है, वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं इसीलिए कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका बिहेव सही नहीं है, वो इलाज नहीं करते हैं, एक दूसरे के यहाँ भेजते रहते हैं, माथा मथी करके पेशेंट को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वह स्वयं भाग जाता है।
तो इसमें तो सरकार दोषी है। सरकार अगर उचित कार्रवाई करती तो जो लोग इस काम में लगे हैं उनको इस बात का भय रहता, लेकिन अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई भय नहीं है। वो कुछ भी करें, इलाज करें या ना करें, तो न करने वाला ही चल रहा है अभी। और इसलिए आप जाकर के देखिए दरौली पीएससी पर एको पेशेंट नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट झोला छाप के यहाँ आप जाइए तो एक अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ेगी। तो सरकार कोरोना के रोकने में फेलियर है, उसका तंत्र भी फेलियर है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कड़ा कदम उठाइए और अपने तंत्र को ठीक करिए।